अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की हम वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी कि जो भी हमारे पास कंप्यूटर में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर होते हैं या एप्लीकेशन होती हैं, वो ये एरर कैसे दिखाती हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जो यही एरर दिखा रहा है। ये देखो फ्रेंड्स, ये एरर दिखा रहा है सेम ही। इसी तरह VLC मीडिया प्लेयर यही एरर दिखाता है। मोजिला फायरफॉक्स भी और भी काफ़ी सॉफ्टवेयर से एरर दिखाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक इंस्टॉल नहीं होता। तो आपको क्या करना है, पहले कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपना सिस्टम चेक करना है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो सिस्टम टाइप है वो है 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मुझे क्या करना है, अब जो भी एप्लीकेशन हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो मुझे 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक ही इंस्टॉल करना है, फिर ये एरर नहीं दिखाएगा। अभी ये जो सॉफ्टवेयर जिसने ये एरर दिखाया, ये 64-bit का नहीं, ये शायद 32-bit का होगा, इसी वजह से ये इसने ये एरर दिखाया है। तो आपको भी ऐसा करना है, जो भी सॉफ्टवेयर हो 64-bit का इंस्टॉल करना है। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लिखा है विनरार 64-bit, तो आप, मैं यहाँ विनरार डाउनलोड कर रहा हूँ 64-bit का। तो आपको इसी तरह कोई भी सॉफ्टवेयर 64-bit का इंस्टॉल करना है, जैसे मोजिला फायरफॉक्स। तो यहाँ देखो 64-bit फायरफॉक्स। तो आपको इसी तरह कोई भी सॉफ्टवेयर 64-bit का ही डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, तो आप, ये आपको एरर नहीं आएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।